फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज पोंटा के बारे में बात करते हैं। पोंटा साहिब हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में है, जो कि देहरादून से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं पोंटा में क्या क्या है आज। बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में, वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, हम आ चुके हैं बद्रीपुर के शिव मंदिर में। नंदी महाराज दर्शन करते हुए देखिए यहाँ पे कितना सुंदर और रमणीक मंदिर बनाया है। यहाँ पे शिव जी का, भोलेनाथ का, ये अर्धनारीश्वर अवतार गौरी शंकर का, ये श्रद्धालु पर बैठते हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे भोलेनाथ जी का दर्शन करते हुए श्रद्धालुगण दर्शन करते हैं। देखिए आपको मंदिर दिखाते हैं, बाहर से कितना सुंदर रमणीक मंदिर बनाया है। यहाँ से बहुत ही अच्छा मंदिर लग रहा है मुझे, ये पूरे पोंटा की शोभा बढ़ाएगा मंदिर। चौक पे आ चुके हैं यहाँ पे। यहाँ से पोंटा की मार्केट स्टार्ट हो जाती है। देखिए ग्रीन डिपार्टमेंटल स्टोर, यहाँ पे छोटी मोटी ग्रोसरीज की हर सामान सारा सामान मिल जाता है यहाँ पे। ये यहाँ हॉस्पिटल्स भी हैं बहुत सारे। ब्राउन ब्रेड जो कि पोंटा में फेमस है यहाँ पे। ये डोमिनोज नया खुला है, शोरूम है डोमिनोज का। गुरुद्वारा के लिए भी रास्ता गया है, अभी चलेंगे गुरुद्वारा में। तो पोंटा मेन मार्केट में एंटर करते हुए अभी, ये पोंटा की मेन मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे कपड़े, फूल, फार्मेसी, मतलब बहुत अच्छी अच्छी दुकान है यहाँ पे। किराने का सामान भी मिल जाता है यहाँ पे। मार्केट है पोंटा की, यहाँ पे ज्वेलर्स की दुकान है, यहाँ पे सब्जी की दुकान है, यहाँ पे बहुत सारी अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो हम अभी गुरुद्वारे तक चलते हैं। ये ग्राउंड है, बहुत बड़ा ग्राउंड है यहाँ पे, प्ले ग्राउंड है। तो यहाँ पे क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच भी होते हैं। तो अभी हम गुरुद्वारे आ चुके हैं। तो ये गुरुद्वारे के पास में ये एक रोड की रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पे। तो गुरुद्वारे के नियर मार्केट है ये, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अभी रिपेयरिंग हो रही है यहाँ पे। ये है ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। यहाँ पे अभी देख सकते हैं आप, बहुत लोग आर्मी की तैयारी करते हैं यहाँ पे, रेस लगाते हैं। बहुत बड़ा ग्राउंड है, रेसिंग के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फुटबॉल भी खेलते हैं लोग। अभी देख रहे हैं यहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं लोग यहाँ पे, ये फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हुए।
बहुत सारे लोग क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़े बड़े क्रिकेट के मैच भी होते हैं, फुटबॉल की मैच भी होते हैं यहाँ पे, और किसी बड़े कार्यक्रम का आयोजन हो जाता है यहाँ पे, कोई अगर हमारा पॉलिटिक्स लीडर आता है कोई यहाँ पे तो जाता है, तो भी हम चलते हैं मैच की तरफ। आइए आपको यमुना घाट ले जाते हैं, यह है यमुना जी, बहुत ही पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे, तो जलस्तर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो एक्चुअली बारिश होगी ना पहाड़ों में तो इसलिए जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यमुना जी का, लहरें हो रही है, बहुत ही जलस्तर ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। शाम को आरती होती है यमुना जी की, बट अभी हो चुकी है आरती, बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं, हम भी यमुना जी के पास पीसफुल फील करते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं आप यमुना घाट, काफ़ी बड़ा घाट बनाया है यमुना जी का, देखिए पानी का बहाव देखिए यहाँ पे, जलस्तर थोड़ा बहुत यहाँ पे पूजा करते हुए ये यमुना जी की आरती करते हुए आई थिंक आरती कर रही है, यहाँ पर थोड़ा जल में अपना जाके आरती करते हैं पूजा करते हैं, बट ज़्यादा अंदर नहीं जाना है क्योंकि यहाँ थोड़ा रिस्क रहता है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। लाइटें भी बहुत इसके शोभा बढ़ा रही है यमुना जी की, लाइटें सामने पहाड़ है तो ये यमुना जी की शोभा बढ़ा रही है हमें, मंदिर में चलते हैं। यहाँ पे मंदिर ये यहाँ पे राधे कृष्ण जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, यहाँ पे दुर्गे माता का मंदिर है, तो सबसे पहले हम राधे कृष्ण जी का दर्शन करते हैं, राधे कृष्ण जी का दर्शन करते हैं, जय श्री राधे कृष्णा, जय गौरी शंकर, हर हर महादेव। ये माता आदिशक्ति के दर्शन करते हैं, यहाँ अच्छा यहाँ से तो अलग ही नज़ारा, अद्भुत नज़ारा दिखता है यहाँ पे, अगर मंदिर से खड़े होकर देखते हैं यमुना जी का नज़ारा, बहुत ही सुंदर ऊंचाई से वैसे भी नीचे देखो तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। और ग्राउंड दिखाया हमने आपको, ग्राउंड में यहाँ बहुत बड़े क्रिकेट का मैच भी होता है, बहुत बड़े बड़े मैच होते हैं यहाँ पे, फुटबॉल मैचेस भी होते हैं यहाँ पे, और अभी चलते हैं हम पोंडा पार्क की तरफ, आपको पार्क दिखाते हैं पोंडा का, बहुत अच्छा पार्क बनाया है अभी लेटेस्ट, अभी थोड़ा सा वहाँ पर मेंटेनेंस चल रहा है, और आइए चलते हैं। अभी हम पोंडा के पार्क में आ गए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा पार्क बनाया है, यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेंटेनेंस हो गई इसलिए और अच्छा हो गया यहाँ पे, तो बहुत ही काफ़ी इक्विपमेंट्स भी लगा दिए यहाँ पे बच्चों के हिसाब से यहाँ पे, तो आइए दिखाते हैं आपको पार्क, यहाँ पे बहुत अच्छा है, यहाँ पे हरियाली एकदम प्रॉपरली, तो आइए देखिए पार्क, दोस्तों देखिए यहाँ पे इक्विपमेंट्स हैं जिससे हम एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, बच्चों के लिए भी हैं बड़ों के लिए भी, एक्सरसाइज तो आप जानते हैं हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है, और मैंने भी यहाँ पे बहुत सारे मतलब काफ़ी डेली इस पे लगभग मैं एक्सरसाइज करता ही हूँ, मैं कभी कभी मेरा बंक हो जाता है बट मैं एक्सरसाइज करता हूँ यहाँ पे आके मॉर्निंग में, और यहाँ देख सकते हैं आप मैदान भी अच्छा है, ग्रीन ग्रास है और इक्विपमेंट्स हैं इतने सारे, और जस्ट ही बगल में यहाँ पे कोर्ट है यहाँ पे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं जिससे एनवायरनमेंट हमारा बहुत अच्छा रहता है, एनवायरनमेंट पॉल्यूशन कम होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बच्चों के हिसाब से बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पे देखो इन्होंने ये हिरन लगा दिया है जो कि काट का है, हाथी है यहाँ पे, और कितना अच्छा व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इधर ये साइड रोड भी बना दिया है यहाँ पे चलने के में असुविधा ना हो यहाँ पे आने वाले लोगों के लिए, प्लीज़ हेल्प कीप दिस पार्क क्लीन,
एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बड़ों के लिए इक्विपमेंट लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े बच्चे होते हैं उनके करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। हम आपको करके दिखाते हैं एक्सरसाइज कैसे होती है यहाँ पे। दोस्तों देखो, मैंने आपको अभी पुलअप लगा के दिखाया, यहाँ पे एक्सरसाइज करी मैं, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होती है बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। और यहाँ पे झूले भी लगे हुए हैं, यहाँ पे काफ़ी जगह है यहाँ पे, और यहाँ से बच्चे खेल सकते रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम, मैंने भी कई बार यहाँ पे पुशअप लगाए हैं, तो ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे। दोस्तों आपने देखा, अभी हमने आपको दिखाया पोंटा की मार्केट, यहाँ पे यहाँ पोंटा में क्या क्या चीज़ें जो भी फेमस हैं सारी चीज़ें आपको दिखाई यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हैं और एक दो चीज़ें रह गई हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। जो कि मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, जो जब डेवलप हुआ है पोंटा इतना, वो फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज की वजह से हुआ है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और हमारी वीडियो को पूरा देखें आप, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें, जिससे कि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन ला सकें। तब तक के लिए बाय।